ओके दोस्तों, अब ये देखिए हम आज शुरू करेंगे स्टूडेंट के लिए बढ़िया भोजन तैयार करेंगे। सब्जी, हरी सब्जियों का सेवन हम करेंगे। तो हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए सबसे पहले हमें ये मसाले अशोक का मसाला लेना है और ये आपको खड़ा मसाला लेना है, इसमें दालचीनी और जीरा वगैरह सब है ना। और इसमें ये देखिए ये सब आपका ये इलायची है, तेज पत्ते हैं, ओके। प्याज लेंगे और मिर्च अपने अनुसार लेंगे जितना आप तीखा खाते हैं, और लहसुन आप ज़रूर लेंगे, ओके। तो ये हमारा मसाला का पार्ट हो गया। कुछ हम गरम मसाला लेंगे अभी, तो ये गरम मसाला है हमारे पास, तो एक चम्मच हम गरम मसाला लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे और क्या क्या हमें लेना है। हरी सब्जी जो आँख के लिए प्रयोग होता है, आँख में काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि हरी सब्जियों का सेवन करने से हमारी आँख और बाल स्वस्थ रहते हैं, आँख स्वस्थ रहती है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है और आपके चेहरे में ग्लो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमें फुल डाइट लेना है। फुल डाइट के लिए हमें ये कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं, जैसे कि आपको ये मटर लेना है, हरी मटर लेना है, सीजनल आपको चीज़ें खाना है। टमाटर हम ले रहे हैं, आलू लेंगे, और ये हमारा पटुआ है ना, ये हरी सब्जियां हैं। और इसमें हम ये धनिया यूज करेंगे और थोड़ा सा सोया डालेंगे। तो आगे इसको हम काट के तैयार करते हैं। ये देखिए हमारी हरी सब्जियां कट के तैयार हो गई हैं। ये आपके देखिए, ये आपकी धनिया है और ये आपका सोया है ना, ये आपका सोया है और ये आपका बथुआ कंप्लीट हो गया कट के। तो आपका ये देखिए गरम मसाला है, इसमें अशोक का मसाला और हमने गरम मसाला इसमें सब कुछ मिक्स लिया है। अपने अनुसार आप ले लीजिए जितना आप खाना चाहते हैं, और हल्दी ज़रूर आप डालिए, है ना। ओके दोस्तों, अब ये देखिए हमारा आपका मिर्च है और इसमें आपका लहसुन, हमने तेज पत्ते और ये खड़े मसाले हमने ले लिया है। तो ये हमारा सब्जी तैयार हुआ। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ आज सीख रहे हैं स्वादिष्ट सब्जी बनाना। स्वादिष्ट सब्जी में हम क्या क्या लेंगे, पोटैटो लेंगे, टमाटोज लेंगे, एंड ओनियन लेंगे आपका, दैट मीन्स ये आलू है, टमाटर, और इसमें ये तेज पत्ते हम लेंगे, और ये आपका ओनियन थोड़ा छोटा छोटा काट लेंगे प्याज को, और ये आप मिर्च छोटा बारीक काट लें, लहसुन को आप काट लेंगे छोटा छोटा करके, ओके। और ये आपका देखिए, ये आपका बथुआ है तो इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये आपकी धनिया है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें हमारा आयरन की मात्रा और क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल सॉरी। और ये आप देखिए, इसमें हम गरम मसाला लिए हैं, गरम मसाला यूज कर रहे हैं इसमें, और ये हल्दी और इसमें धनिया और ये सब जीरा खड़ा मसाला इसको पीस के तैयार किया गया है। और ये सोया थोड़ा स्वाद के लिए हम ले रहे हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी रोशनी के लिए हरी सब्जियां बहुत लाभदायक होती हैं। तो आज हम सीख रहे हैं पौष्टिक सब्जी बनाना, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। और देखिए, ये हम सीजनल हरी मटर ले रहे हैं, और ये सीजनल आप टमाटर, सीजनल सीजन सब्जी, आप जो सीजन में आपकी जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं उसका सेवन आप ज़रूर करें, ताकि आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और आपका पढ़ाई में भी अच्छा टाइम दे सकें, अच्छे मार्क्स आ सकें, ताकि आप जिस सपने का साकार करने के लिए लगे हुए हैं, आपका शरीर आपके सपने तक साथ दे सके। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के पौष्टिक सब्जियों का सेवन करें तो इससे आपका काफ़ी अच्छा सेहत रहेगा और आप वो पोटेंशियल हो जाएंगे, जिससे आपकी शरीर काफ़ी स्ट्रांग होगी और आपकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम इसमें ये सारी हरी सब्जियाँ का यूज करेंगे। आइए चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, अब हम ये इसको आग लगा दिए, गरम हो रहा है, गैस को खोल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा, जब तक हमारा ये भगोना गर्म नहीं हो जाता तब तक इसमें हम कड़ू का शुद्ध तेल नहीं डालेंगे। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा कड़ू का तेल लेंगे और ये हमारा पूरी तरह से गर्म हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हम इस खड़े मसाले को डालेंगे, ओके। खड़ा मसाला इसमें सबसे पहले डालेंगे, और फिर उसके बाद आपका ये लहसुन डालेंगे,
आंच थोड़ा सा ज्यादा है तो हम इसको कम कर देते हैं, आंच हम थोड़ा सा कम कर लिए हैं। ओके, अब इसको हम इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। इस प्याज को हम इसमें डालते हैं। अभी हम मिर्च को नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये जल भी सकती है और हमें काफ़ी दिक्कत होगी बनाने में, जो कि इसमें काफ़ी खराब हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा कम बनाने देते हैं, ये थोड़ा जब तक लाल ना हो जाए तब तक इसको हम पकने देते हैं धीमी आंच में। अब जब ये थोड़ा लाल हो गया तो इसमें अब हम मिर्च को डाल लेंगे, जितना आपको मिर्च की ज़रूरत है आप उतना डाल लेंगे। और इसको थोड़ी देर इसको चलाते हैं, पक जाए। ओके, इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। अब हम मटर को दोस्तों फ्राई करेंगे। अब हमारी मटर काफ़ी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम सबसे पहले ये आलू को फ्राई करेंगे। सेकंड नंबर पे आपको आलू को फ्राई करना है। ओके, आप आलू को बढ़िया से इसको चला दीजिए। अब हम इसको हल्दी और गरम मसाले को इसमें ही डाल लेंगे और अपने स्वाद अनुसार जितना हमें ये काटा नमक देखते हैं इसको यूज कर रहे हैं और जितना हमें ज़रूरत है उसको इसमें डाल देंगे। और जितना खाना पसंद करते हैं नमक की आप उतना कर लेंगे, लेकिन काटा नमक उसमें आयोडीन युक्त नमक होता है तो आप इसको काटा नमक जरूर यूज करें ताकि आपको जो भी और डिजीज वर्म होती है उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप इसको और बढ़िया से चला लीजिए, ये आपको फ्राई हो रहा है। अब दोस्तों इसमें हम टमाटर को इसमें डाल लेंगे, इसको फ्राई कर लेते हैं। मेरा आलू और मटर काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया है, अब इसको हम इसमें थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे और हमारी बहुत टेस्टी सब्जी तैयार होने वाली है। अब देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार होगी, ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब इसको थोड़ी सी फ्राई हो जाएगा तो हम इसको इसमें डालेंगे आपकी जो हरी सब्जियाँ हैं। ओके, अब हरी सब्जियों का नंबर आ गया, बथुआ हम इसमें डालते हैं। हमारा आलू मटर और टमाटर बढ़िया से फ्राई हो गया है, अब इसको हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही साथ इसको हम सही से फ्राई कर लेते हैं। बहुत कम समय में आपकी बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक सब्जी तैयार हो रही है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सब्जी है, कम समय में स्वादिष्ट सब्जी और सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी सब्जी हमने तैयार की है। आलू मटर सोया टमाटर और बथुआ को लेकर बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्जी करके तैयार होने वाली है। दोस्तों आप इसका सेवन हफ्ते में 2 बार जरूर करें। इसका सेवन 2 बार करने से जिनको आँख की प्रॉब्लम है, रोशनी जिनकी कम हो रही है, उनको बहुत आराम मिलेगा, या कमर दर्द हो रहा है, या आँख के आँसू आ रहे हैं, या पानी कम लग रहा है, या देर तक बैठ नहीं पा रहे, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यकीन करिए आप इसको हफ्ते में केवल 2 बार सेवन करिए और 2 बार आप इसको सेवन करेंगे हफ्ते में केवल 2 बार, तो इसका आप बहुत अच्छा असर देखेंगे और आपके चेहरे पे शाइनिंग बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों अब ये हमारा काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है, अब इसमें हम आप सोया को डाल के इसको भी पकाएंगे।
और ये धनिया हम बाद में यूज करेंगे। धनिया किस काम की होती है, ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारा पेट भी काफ़ी आराम पहुंचता है और पचने में काफ़ी सहायक होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं ओके, क्योंकि बहुत सारे एसिड निकलते हैं तो उसमें हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है, तो ये धनिया उसमें काफ़ी अच्छा लाभकारी भी होता है ओके। और ये हमारे लिए हरी सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाभदायक सब्जी हमारी तैयार हुई है। ये विद्यार्थियों को जरूर सेवन करना चाहिए, कम समय में अच्छी सब्जी आपकी तैयार हो रही है, और आप या तो आप अच्छी ये हरी सब्जी का सेवन करें तो डॉक्टर के पास जाना कम हो जाएगा, यदि आप हरी सब्जी का सेवन नहीं करें तो डॉक्टर के आगे पीछे आप लगे रहेंगे। तो प्लीज़ आप इसको, यदि विद्यार्थी आप हैं तो मैं उन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप हरी सब्जी का सेवन ज़रूर करें, ताकि आपके खुशहाल ज़िंदगी के लिए और अच्छी फ्यूचर के लिए ये लाभकारी साबित हो। और मैं यही कामना करता हूँ हर स्टूडेंट विद्यार्थियों को भाइयों को अपने कि वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ होकर अपने कार्य की ओर बढ़ें और अपने टारगेट को अचीव करें। तो आप यदि कोई गलती कर रहे हैं तो गलतियां ना करें, या खाने पीने में कोई लापरवाही ना करें, आप अपने अनुसार जितना आपको जल भी इसमें जितना पानी आप डालना चाहते हैं उतना आप पानी डाल देंगे, और इसको हाँ पानी भी हम इसमें डालते हैं क्योंकि ये ग्रेवी ज़्यादातर सब्जियां हमारी हैं तो ये पूरी तरह से पक जाती है और बढ़िया। इसमें आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो आप जानते हैं कि थोड़ा सा पानी की मात्रा रहने से ये सही से पक जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, ताकि हमारे पाचन क्रिया में काफ़ी सहयोग करेगा, जिससे हमें पूरा पूरा इस पौष्टिक सब्जी का लाभ मिल सके। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा सब्जी मिक्स तैयार हुआ है, इसका आप सेवन करिए, थोड़ा इसको आप पक जाने दीजिए, इसका आप सेवन करिए, आप 10 दिन इसका सेवन करने से आपको आँखों की और चेहरे की ग्लो में और आँखों की रोशनी में काफ़ी फर्क दिखेगा, और यदि आपका बाल झड़ता है तो बाल झड़ने में भी काफ़ी रोकथाम करेगा ओके। इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं दोस्तों, अब हम ये वीडियो को पॉज करते हैं क्योंकि अब हमारी सब्जी ये तैयार हो रही है, ये पक जाएगी, बस इसको आप सेवन करिए, हफ्ते में 2 बार ज़रूर सेवन करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक सब्जी साबित हुई है, तो आप लोग भी एक बार सेवन करें। तो थैंक यू ओके फ्रेंड्स, ये अब हमारी सब्जी तैयार हो गई है, अब इसमें हम धनिया डाल लेते हैं, ओके फ्रेंड, ये हमारी सब्जी पक के तैयार हो गई है ओके। इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं आपकी सब्जी कैसी बन गई है, ये हम टेस्ट करेंगे ओके दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा सा, देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, इसमें अब हम थोड़ा सा देसी घी डालते हैं, ये गाय का शुद्ध देसी घी है, इसमें हम मिक्स कर लेते हैं और इसको स्वाद लेते हैं, देखते हैं कैसा है। दोस्तों ऐसा सेवन आप करिए, आपकी कभी भी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना सेहत में कोई बिगाड़ होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अच्छी रहेगी, आप पढ़ने में आपका मन लगेगा, आपको थकान नहीं महसूस होगा ओके दोस्तों। आइए देखते हैं, वाह बहुत स्वादिष्ट है, एक नंबर। Mm-hmm.
दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का डिश हम लेके आते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अच्छी डिश बनाने का विधि बताते रहेंगे। यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो हमने सब्जी बनाई तैयार की थी देखिए, उसी का हम सेवन कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनी हुई है। आई होप वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। आप ऐसा सेवन करिए, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आँख से और ना पेट से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो लाजवाब स्टूडेंटों के लिए लाते रहें जो विद्यार्थी भोजन बनाना नहीं जानते हैं या उनको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उतना टाइम आप उससे ज़्यादा करना, टाइम अपना आप दोस्तों के साथ बात करने में गवा देती हूँ या इंटरटेनमेंट में ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो आप खुद ही अपने आप में एक इंटरटेनमेंट होंगे, अंदर से आपको फीलिंग आएगी, अच्छा पढ़ने का मन करेगा, टाइम ज़्यादा आप दे पाएंगे तब आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और मैं इतनी स्वादिष्ट सब्जी में छोड़ नहीं सकता हूँ, प्लीज़ माफ़ करिएगा। क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है और गाय का देसी घी तो और स्वादिष्ट हो गया है। तो आई होप कि आप लोग आज के बाद अपना भोजन, विद्यार्थी हैं आप अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे और कम समय में बेहतरीन भोजन तैयार करेंगे और ऐसा डिश आप छोड़ो किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। तो अपना भोजन स्वयं तैयार करें, पौष्टिक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मिल सके सब्जियों के माध्यम से और आपका टाइम, सेहत, सब कुछ अच्छा रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।